अभिषेक कराम अशोक पराम अध जल बटे मोरे मानव। नमस्कार प्रणाम, हम सतीश सरकार और आप सभी देखा तनी भोजपुरी चैनल हंगामा जंक्शन। तो आज हम आप सभी के मुलाकात करवाए वाला बानी भोजपुरी गायिका प्रभा सिन्हा जी से, जी के बहुत अभी कम समय से काम शुरू कैले बड़ी, 2 साल से लगभग काम शुरू कैले बड़ी। और कौन कौन गाना कैले बड़ी, केकरा केकरा साथ काम कैले बड़ी, तो बहुत सारा बात हुई इनसे। तो चलिए हम मिलवाते हैं, सबसे पहले अपन परिचय दे दी मैडम। नमस्ते प्रणाम, मैं प्रभा सिन्हा। जितना दर्शक लोग देख रहे हैं उनको मेरे तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। कितने सालों से आप काम कर रही हैं? मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। तो 2 साल से आप काम कर रही हैं, तो 2 साल से कौन कौन सा आपका गाना आया है? मेरा 2 साल से गाना आया है, पहला गाना तो देवी सॉन्ग से था। तो जो गाना आप गाई हैं, क्या 2-4 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएंगी आप? जरूर। अरे कैसे के कराम अशोक पराम अध जल बटे मोरे मानवा, कैसे के कराम अशोक पराम अध जल बटे मोरे मानवा। अरे बीतल जला ननदो समनवा, अइले न हमारो सा जानवा। तो कौन कौन से स्टार्स के साथ है, फिर कौन कौन से भोजपुरी कलाकार के साथ आप काम किए हैं? शुरू में मैं कवि जी के साथ काम की थी एक्टिंग लाइन में, और फिर उसके बाद में कमाल रोहतासी जी के साथ मैं सॉन्ग की थी, और फिर उसके बाद में अंतरा सिंह के साथ की, फिर उसके बाद में अंकुश राजा के साथ की, फिर उसके बाद में मैं बहुत सारा कलाकार लोग हैं, और फिर उसके तो बाद अभी कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है? जी आने वाला तो है। कब तक वो दर्शकों को सुनने को मिल सकता है? हो सकता है कि 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। मतलब इसी साल या फिर अगले नहीं, साल? नहीं, इसी साल। तो जैसे कि भोजपुरी में होता क्या, जैसे बिहार में लोग चाहता है कि अपना घर परिवार सेटल करें, लेकिन घर परिवार के साथ साथ आप ये गायकी लाइन में आई, तो घर के तरफ से आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, या फिर बोल सकते हैं किस तरह का सामना करना पड़ा है? संघर्ष तो बहुत सारा करना पड़ता है, और पहला सपोर्ट तो मेरा हस्बैंड थे, और यहीं पर मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको हस्बैंड ने किया। हाँ। तो जब शुरुआत दौर में जब बात की कि जैसे कि हम ये गायकी करना चाहते हैं, गाना गाना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन था आपके हस्बैंड का? बहुत अच्छा था, उनको यही था, वो बोल रहे थे कि मेरे तरफ से फुल सपोर्ट है, दुनिया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ कभी भी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो यूपी के रहने वाली हूँ, मेरा यूपी में ससुराल है, लेकिन मैं आरा में रहती थी, फिर उसके बाद में आरा से मैं पटना में गई हूँ। तो जैसे कि बहुत सारा लोग प्रेशर देता है कि घर परिवार चलाइए, या फिर बोलता है कि नहीं पढ़िए लिखिए नौकरी कीजिए, या फिर होता क्या है कि पढ़ाई छोड़ के कुछ अलग काम लोग करता है, तो बहुत सारा समाज भी कुछ बोलता है, आस पड़ोस के लोग भी बोलते हैं, तो इस तरह का कुछ सुनने को आपको नहीं मिला? सुनने का तो बहुत कुछ मिला, कोई कुछ कर रहा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन आज के डेट में सब लोग बोला कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा इतना शौक है, मेरा मायके के लोग चाहे ससुराल का लोग, लेकिन मेरे तरफ से आज के डेट में तुम्हारे लिए फुल सपोर्ट है, आप तुम कुछ भी आप लोग कर सकती हैं, तुम कर सकती हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे। मतलब कि अब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप? सब लोग। तो 2 साल हो गए आपको गायकी क्षेत्र में आए हुए, अभी तक कितने गाना गाती हैं आप? गाना तो 15-20 कर दी हैं। तो मतलब कंटिन्यू इसी लाइन से जुड़ी हैं, या फिर पार्ट टाइम इसको, या फिर शौकिया तौर पर चल रही है? मैं एक्टिंग भी करती हूँ। एक्टिंग कौन से गाने में आपकी हैं? सारा गाना में की हूँ। कौन सा एक गाना जिसमें आपकी एक्टिंग देखने को मिली? अभी तो शुरू है अंतरा सिंह का गाना मेरा, और पटना जिला से गाना से भी अथी मेरा बिलोंग करता है मगा वाला, फिर उसके बाद में बहुत सारा ऐसा गाना है, शादी वाला गाना है अंकुश राजा के साथ। तो जैसे कि भोजपुरी में अभी जो विवाद चल रहा है, तो इसको लेके दो आपस में कलाकार, बड़े कलाकार बोल सकते हैं, आपस में भिड़ गए हैं, तो इससे जो अभी नए कलाकार हैं या फिर संघर्ष जो कर रहे हैं अभी कलाकार, उन लोगों पे क्या दिक्कत आती है?
दिक्कत कुछ नहीं आती है, वही है एक दूसरे को देखकर जलन है और क्या है, और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। मतलब कि वो लोग फिर आपस में मिल जाएंगे और दिक्कत नए कलाकार को हो जाएगा जो लोग कुछ नहीं, वो लोग मिलेंगे आज नहीं तो कल, वो लोग एक ही होंगे। हम लोग की तरफ से कोई शिकवा गिलावा शिकायत कुछ नहीं है हम लोग की तरफ से, हम लोग की तरफ से। तो आपको लगता है कि वो सब जो भी चीज़ हो रहा है वो स्टारडम के लिए हो रहा है? लेकिन इसमें तो है कि आप मेरे साथ काम करेंगे तो आप मेरे ही साथ काम कीजिए, उनके साथ मत कीजिए, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन तो मतलब हम लोग जैसे तो काम हैं, कोई कलाकार को काम मिलता है जी। तो जैसे बटा है भोजपुरी इंडस्ट्री, इधर से काम मिला तो उधर से नहीं मिलेगा, कोई ऐसा? हाँ ऐसा हुआ है, एक दो घटना मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ था कि आप मेरा, मैं आपको काम दिलवाई हूँ तो आप उधर मत कीजिए, उधर जाती हूँ तो इधर मत कीजिए। लेकिन मैं बोली कि देखिए कलाकार सबके लिए कलाकार है, मैं सबके लिए एक समान हूँ, आप भी करवाइएगा तो मैं करूँगी, वो भी करवाएंगे तो करूँगी, मैंने हर इंसान करवाएगा तो मेरा तो ये कला है, मुझे तो करना है, मेरा ये काम है करना, मैं किसी के लिए किसी के बंधक में नहीं हूँ, नहीं मुझे बंदी कोई बना सकता है। तो अब जो नया गाना आने वाला है किस पे आएगा, मतलब कोई होली सॉन्ग आएगा या फिर 1 जनवरी है तो इसको देख के आया गाना? अब तो होली सॉन्ग ही आएगा, अब फिर अब पहले तो अभी शादी के गाना मुझे अथी करना है, फिर उसके बाद में होली का गाना करूँगा। तो काफ़ी दिनों से अभी संघर्ष जारी है, अभी क्या लगता है कि एक मुकाम मिल गया है या फिर अभी बहुत दूर तक जाना है? नहीं मुझे बहुत दूर तक जाना है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करती हूँ पहला नंबर, दूसरा नंबर है कि मेरा नाम शोहरत इज्जत मेरा तीन चीज़ चाहिए, मेरा वही मायने, काम पैसा से ज़्यादा वही मायने रखता है। तो ये किसको देख के आप, जैसे कि क्या होता है खिलाड़ी लोग हैं तो सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हैं, या फिर कोई भी हो सिंगिंग लाइन में तो बहुत लोग मोहम्मद रफ़ी, या फिर भोजपुरी लाइन में बहुत सारे भरत शर्मा, लोग बहुत सारे लोग को फॉलो करते हैं, तो आप भोजपुरी लाइन में किसको फॉलो करती हैं? फॉलो तो देखिए मैं सबके साथ करती हूँ, मेरे लिए सब अच्छे ही गाते हैं कलाकार हैं। तो जैसे मन में इच्छा होती है ना कि नहीं इन ये अच्छा गाते हैं ऐसा गाते हैं तो अच्छा रहता? मेरा शौक है, मैं शौक से गाती हूँ, मैं एक्टिंग भी शौक से करती हूँ। अच्छा कभी मन में कभी ये होगा, दिली ख्वाहिश होगी कि इस आदमी के साथ या फिर इस गायक के साथ मेरा एक गाना आ जाता तो बहुत अच्छा होता? देखिए शौक तो सबके हर इंसान का होता है, मुझे भी शौक है। किसके साथ, कौन से स्टार कलाकार? अभी तो फिलहाल में पवन सिंह है, खेसारी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे जिनके तो साथ मतलब एक कलाकार जिनके साथ आप चाहती हैं कि मेरा एक गाना इनके साथ हो जाता तो बहुत अच्छा होता? नहीं ऐसा तो मेरा अभी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो अभी जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? तो लाइन दर्शक के लिए मैं क्या बोलूँ, सब मेरे लिए अच्छे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे जो भी दर्शक सुन रहे थे अभी प्रभास सिन्हा जी को, तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहें, भोजपुरी की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचती रहेगी।